हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन करवाने वाले हैं। TCL का एक टीवी है, TCL 40 इंच का, जो 20,999 रुपीज़ में मुझे अमेज़ोन पे मिला है। अगर आपको कोई MI के बाद कोई ब्रांड में अगर लेना है तो आप TCL की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। तो ये मेरा जो है तीसरा टीवी का अनबॉक्सिंग होगा। मैंने दो ऑलरेडी डाल चुके हैं, एक 43 इंच का, एक 55 इंच का, और ये मेरा तीसरा टीवी है 40 इंच का। तो बात करो इसमें मॉडल, आप देख सकते हैं इसका फ्रंट और सामने दोनों तरफ सेम ही चीज़ दिया हुआ है कि ये प्ले स्टोर वगैरह वगैरह कुछ कुछ अवेलेबल है। ये मैंने अमेज़न के थ्रू मंगाया है, इसलिए कुछ कुछ उसके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं इसमें, बिल वगैरह कि कहाँ डिलीवर हुआ है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एक वॉल माउंट मिलेगा, रिमोट मिलेगा, टेबल स्टैंड मिलेगा, एक टीवी मिलेगा, एक रिमोट मिलेगा, उसकी एक बैटरी मिलेगी, मतलब दो बैटरी मिलेगी, ट्रिपल ए वाली बैटरी। तो ये टीवी मैंने सोचा कि मैं खुद अनबॉक्सिंग कर दूं, बट नहीं, उन्होंने मना कर दिया था कि अगर सर आप खुद से करते तो अगर टीवी टूटी फूटी निकलती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रही है, तो इसलिए मैंने खुद से इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की। तो ये जो मैं कंपेयर कर रहा था 40 इंच को अपने 55 इंच के साथ, तो मुझे बहुत डिफरेंस लगा, क्योंकि 40 इंच और 55 इंच बहुत बड़ा डिफरेंस, टोटल 15 इंच का डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि ये 40 इंच का जो बॉक्स है इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो टीवी होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड से दो दो इंच कम ही होगा। तो ये सर्विस इंजीनियर था इसका, वो आ गया था इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए, जिसने इसकी एक सील ब्रेक की और इसका जो टेप लगा हुआ उसको कट करके इसको टीवी को निकालेगा। जैसे कि टीवी मेरा अगर आज डिलीवर हुआ तो अगले दिन ही मुझे कॉल आया और ये आ गए। और मैं आपको बता दूं कि जो MI का टीवी होता है, रेडमी का MI का, तो उसमें आपको वॉल माउंट के लिए अलग से 500 या 300 रुपये देने पड़ते हैं, बट इस टीवी में वॉल माउंट साथ में इसका इनबिल्ट दिया हुआ है। और ये जो टीवी है 2020 मॉडल है, 2020 वाला मॉडल है, जिसमें गूगल असिस्टेंट का वॉइस रिमोट वाला मिल जाता है अपने को ऑप्शन। इसमें आपको अपने को वॉल माउंट फ्री मिलता है और टेबल टॉप टेबल माउंट भी फ्री मिलता है। इसमें एक रिमोट मिलता है, वारंटी बिल मिलता है और एक दो AAA बैटरी मिलती है। इसमें आपको दो HDMI, एक USB, एक SPDIF और एक आपको ईथरनेट का पोर्ट मिलेगा और एक डिस एंटीना का पोर्ट मिलेगा और एक आपका AV का पोर्ट मिलेगा। अगर आपको 21,000-20,000 तक का कोई अच्छा सा टीवी चाहिए जिसको आपको लगे कि हाँ बढ़िया दिन चले, तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप TCL की तरफ से जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस टीवी में 1 GB रैम है, तो थोड़ा सा बहुत हैंग ज़रूर करेगा ये टीवी अगर आप 4K कंटेंट प्ले करते हैं तो। लेकिन अगर आप इसमें सेटअप बॉक्स लगा के देखते हैं, नॉर्मल पेन ड्राइव से प्ले करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, 1080p आराम से चलेगा। अगर आपका एक नॉर्मल 10x10 का हॉल है तो आप ज़रूर 40 इंच या 43 इंच के पास जाएं, ज़्यादा बड़ा टीवी ना लें। अगर आपका हॉल बड़ा है तब आप ज़रूर, मैं आप सजेस्ट करूँगा 55 इंच का आप लें। जैसे कि ये जो टीवी है ये 40 इंच का, तो ये इनफ है 10x10 के रूम के लिए। 32 इंच ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 49 या 50 इंच ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 43 इंच सही है इस हॉल के लिए जो 10x10 का है। तो सबसे पहले ये जो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन इंजीनियर आप जो बोलो, तो ये सबसे पहले इसका मार्किंग करके, इसका ड्रिलिंग करके, इसका जो ब्रैकेट है वो फिट करेगा, उसके बाद टीवी को टॉप कर माउंट कर देगा। और मैं आपको बता दूं कि जो भी वॉल इंस्टॉलेशन है सब कुछ फ्री है TCL की तरफ से, आपको कोई कुछ भी पे नहीं करना है इसको, और आपको इसमें 3 साल की वारंटी मिलती है।
अगर आप एक टीवी आप लेते हैं एलजी से सोनी सैमसंग में, तो सोनी एलजी में लेंगे तो ये जो आपको 21,000 में मिला है टीसीएल में, वही आप लेते सोनी सैमसंग एलजी में तो ये आपको मिल जाता कम से कम, नहीं तो नहीं 25 से 26 हज़ार तो ज़रूर मिलता आपको। लेकिन मैं बता दूँ जो टीवी मैंने लिया फुल एचडी है, वो 1920x1080, ये 4K टीवी नहीं है, ये नॉर्मल टीवी है। इस टीवी के लिए आपको अलग से रिमोट का बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें साथ में दिया हुआ रहेगा। और इसका जो रिमोट है ब्लूटूथ रिमोट है, अब इसको स्पिरिट लेवल से लेवल देख रहा है कि मैंने जो लगाया है वो सही है कि नहीं है। अब जो है इसका जो टेक्नीशियन है इसका बिल वगैरह क्यूआर कोड कुछ कुछ स्कैन करना रहता है इनको, ताकि ये अपने आगे फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि जो इनको भेजते हैं जैसे ये जो टेक्नीशियन था, मैंने इनसे पूछा कि आप सिर्फ टीसीएल का करते, इन्होंने बताया कि नहीं सर हम एमआई टीसीएल जितने भी ब्रांड होते हैं उन सब भी ब्रांड का करते हैं, टीवी रेफ्रिजरेटर वगैरह सभी का इंस्टॉलेशन करते हैं। तो अगर आप अमेज़ॉन से लेते हैं तो आपको विद इन 24 आवर्स, और फ्लिपकार्ट पर भी लेते हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और सजेस्ट करूँ, अगर आपके पास 40-45 इंच का, तो आप ज़रूर HD बॉक्स लगवाएं। अगर आपको अपने टीवी में अच्छे से देखना है तो आप अपने इसका प्रोटेक्टिव फिल्म ज़रूर निकाल दें, क्योंकि बहुत स्क्रीन घेरता है और बहुत बेकार दिखता है अगर डिस्प्ले लगा हुआ रहता है स्क्रीन, उसका जो मेम्ब्रेन लगा हुआ रहता है जो पन्नी होती है पतली सी। और ये टीवी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये टीवी जो मैंने अपने पैसों से इसको ख़रीदा है, क्योंकि हमारे उतने बड़े यूट्यूबर नहीं कि भाई TCL हमें टीवी भेजेगा। इसमें जो आपको अब जब इसको वॉल माउंट करते तो ऊपर में आपको 2 स्क्रू मिलता है, अगर आप उसको टाइट कर देते हो तो ये बाकायदा फिक्स हो जाता है, फिर ये हल्का ज़रा सा भी मूव नहीं करेगा ये टीवी। अगर आपके आप जहाँ रहते हैं आपके एरिया में जो जिसका वोल्टेज सप्लाई है, अगर दो इन्फ्लेशंस होते हैं 230 वोल्ट से नीचे 230 वोल्ट से कभी ऊपर, तो आप ज़रूर एक स्टेबलाइजर ज़रूर रखें, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं जिस एरिया में वहाँ पर जिसका जो वोल्टेज है हमेशा सेम ही रहता है, कभी भी चेंज या कभी भी आगे पीछे नहीं होता, इसलिए हम लोग स्टेबलाइजर नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि ये मेन बोर्ड का जिसका जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता है। जैसा देख सकते हैं वॉल माउंट हो चुका है ये टीवी, इसमें आपको 1 GB का रैम, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, इसमें आपको क्रोम कास्ट मिलता है, और इसमें आपको मीरा कास्ट का ऑप्शन नहीं मिलता। मीरा कास्ट का ऑप्शन मिलता है लेकिन आपके लिए उसके लिए फ़ोन का डाटा खर्च होगा, और उसको आपको वाईफाई थ्रू कनेक्ट कर, जो EMI का जो टीवी होता है उसमें आपको बिना किसी सिस्टम बिना किसी नेट के आप डायरेक्ट अपने स्क्रीन कास्ट से अपने स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आपके फ़ोन का डेटा ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा कुछ भी कास्टिंग के लिए। लेकिन आपको इसमें YouTube, Netflix, Amazon Prime, Play Store, अगर आपको Play Store है तो आप कुछ भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, गेम वगैरह इंस्टॉल करके इजीली खेल सकते हो। जैसे मैं इसमें पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव से मैं इसका ऑडियो आपको वीडियो क्वालिटी दिखा रहा हूँ, कैसा वीडियो क्वालिटी है इसका, वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, कलर सैचुरेशन वगैरह सब कुछ सही है, क्योंकि जो भी ब्रांड्स होते हैं 40 इंच के, आप ये मत सोचो सबका डिस्प्ले का क्वालिटी अलग होगा, सभी में IPS या फिर A+ का और HDR10 का डिस्प्ले लगा हुआ रहता है, बस उनका ब्रांड का जो स्टिकर अलग है TCL, MI, लेकिन अंदर का जो क्वालिटी है सबका मुझे सेम ही लगता है।
लेकिन अगर यही अगर QLED या OLED की बात अलग हो जाती है, क्योंकि उनका पूरा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जो LED TV नॉर्मल होती है सारा सेम होता है। ये जैसे कि ब्लूटूथ इसमें दिया हुआ है, अगर आपके पास ब्लूटूथ के हेडफोन स्पीकर होम थिएटर कनेक्ट करता है तो इसमें आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग का स्क्रीन का सैचुरेशन ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस टीवी में जो भी नेटफ्लिक्स है TCL का कुछ भी हॉटस्टार आप ये मत समझ आपको पूरा फ्री देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको पर मंथ आपका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको इंजॉय कर सकते हो। अभी मैं अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ हॉटस्पॉट के थ्रू, ताकि मैं इसका जो अंदर का गूगल वगैरह है उसको मैं ऑन कर सकूँ। इसका जो एंटर है डॉट बना हुआ है। जब भी आप टीवी लेते हो सबसे पहले उसको आप अबाउट सेक्शन में जाकर उसको जरूर अपडेट कर लें। चलिए YouTube प्ले करके देखते हैं फर्स्ट बूट में कैसा चलता है, क्योंकि यहाँ पास शायद नेटवर्क का इशू है इसलिए शायद ढंग से YouTube नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे साथ मेरा नेट का इशू है, बट ये जो TV है देखिए नेट का स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका कैसा चलेगा। अगर आपको एकदम अच्छे से स्मूथली चलाना है 4K कंटेंट तो आप ज़रूर अपने घर में ब्रॉडबैंड एयरटेल का एक्सट्रीम फाइवर या फिर जियो का गीगा फाइवर ज़रूर अपने घर में इंस्टॉल करवाएं। अगर आपको नॉर्मल 10x10 का बेडरूम है या फिर छोटा सा हॉल है तो आप ज़रूर इस टीवी को अपने सजेस्ट कर सकता हूँ मैं कि आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि 43 इंच और 40 इंच में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस 3 इंच का फ़र्क है। 3 इंच मतलब एक उंगली, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप इसको ज़रूर अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।